हेलो गाइस, तो बात करेंगे अब तक की तीन बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात कर ली जाए टिल्लू स्क्वायर की। तो गाइस, इस तेलुगु मूवी ने हम कह सकते हैं कि भाई काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया। अगर मूवी के हम अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो गाइस, मूवी ने अभी तक 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड स्तर से कलेक्शन कर लिया है। और जो मेकर्स ने मूवी की रिलीज डेट के समय स्टेटमेंट दी थी कि भाई ये मूवी 100 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी, तो गाइस उनकी ये बात सच होती हुई में नजर आई है। और गाइस, मूवी अभी भी रिसेंट कलेक्शन कर रही है क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। तो गाइज, टिल्लू स्क्वायर के पास अभी भी काफी अच्छा खासा टाइम है और मूवी को क्लियर एक सुपरहिट का वर्डिक्ट मिल गया है। दूसरी अपडेट पुष्पा टू के टीजर से है, जहां मूवी के टीजर ने काफी बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है। जी हाँ गाइज, मेंथी मूवी मेकर्स ने पोस्ट दिया है जिसमें उन्होंने मूवी के व्यूज काउंट को बताया है, जिसमें की 85 मिलियन व्यूज है, वही 1.2 मिलियन लाइक्स है, जो की उनके रियल टाइम YT स्टूडियो का डाटा है। और मैं भी जब तक ये वीडियो बनाऊ में 90 हो जाए। तो गाइस, काफी बड़ा रिकॉर्ड पुष्पा 2 ने सेट किया है और अब देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है कि 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मूवी कितना बड़ा रिकॉर्ड सेट करती है। वही फाइनल अपडेट की बात करें जो कि आ रही है कल की 28988 मूवी से, जहां अब मेकर्स ने मूवी की न्यू रिलीज डेट 30 मई लॉक कर दी है। जी हाँ गाइस, जहाँ इलेक्शन के कारण मूवी की रिलीज डेट 9 मई से हटा दी गई और मेकर्स एक अच्छी रिलीज डेट की तलाश में थे, और अब मूवी की जो न्यू रिलीज डेट मिली है वो 30 मई है। क्योंकि इलेक्शन के कारण सब कुछ बंद रहेगा तो भाई मूवी चलेगी कैसे, इसलिए मेकर्स ने मूवी की रिलीज डेट चेंज की। वेल, आप कितना एक्साइटेड हो मूवी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।